अगले साल फरवरी से अप्रैल तक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला आगामी 3 या 4 अगस्त को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। कल लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश के जो नेता बाढ़, कोरोना, किसानों का अनाज खरीदने, किसानों का ऋण माफ करने, गरीबों को घर देने, शौचालय बनाने, बिजली गैस पहुंचाने के समय गायब रहते हैं और चुनाव आते ही सामने आ जाते हैं, ऐसे नेताओं को यूपी में एक बार फिर करारी हार मिलेगी व भाजपा की भव्य जीत होगी। अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। मोदी जी 6,000 रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपको ध्यान में नहीं आई। घर में अंधेरा था, बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर, शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा फूंककर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूद नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया, फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का। लगातार जनता के बीच रहने और उनकी परेशानी को जनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों की ड्यूटी लगा दी है। भाजपा ने अपने सांसदों से कहा है कि वह हर शनिवार और रविवार को अपने इलाके में कम से कम 2 राशन दुकानों और 2 वैक्सीनेशनल सेंटर का दौरा करें, साथ ही वहां लोगों से बात करें और अगर राशन मिलने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है या वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई परेशानी आ रही है तो इस बारे में लोगों से पूछें और उसे दूर करने की कोशिश करें। विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर अध्यक्ष भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। भारत 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उम्मीद जताई कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कायदों का पालन करेगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक भारत के अध्यक्ष रहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अब 1 महीने तक कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा सुरक्षा परिषद में नहीं कर पाएगा। लखनऊ में विधानसभा के पास लूट की कोशिश, पत्रकार के साथ लूट की कोशिश हुई, मोबाइल छीनकर भागा शातिर लुटेरा, मौके पर मौजूद लोगों ने धर दबोचा, लोगों ने शातिर को पुलिस को सौंपा। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पूरा विश्व चिंतित है, लेकिन लखनऊ में लोगों ने कुछ समय पहले की त्रासदी को एकदम भुला दिया है। वीकेंड लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुराने लखनऊ में तो लगभग सभी दुकानें खुल रही हैं। पुलिस भी मूकदर्शक है, लोगों ने बेपरवाह होकर मास्क को किनारे कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बहुत दूर है, सड़कों और बाजारों में पहले की तरह लोग घूम रहे हैं, जो कि बहुत घातक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अगस्त को अन्न वितरण समारोह शुरू करेंगे। 1 दिन में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। 5 अगस्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। 5 अगस्त को ही अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी करेंगे। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर इसी महीने आ सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगस्त में ही तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तीसरी में रोजाना करीब 1 लाख मामले सामने आ सकते हैं। अगर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है तो मामले 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। लखनऊ के अवध नहर चौराहे के पास युवती की दबंग गई। लगातार एक युवक को मारती दिखी युवती। शुरुआत से ही विवादों में रहने वाले निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे की स्लैब में फिर से दरार आ गई है।
दौलताबाद चौक से खेड़की दौला की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में निर्माणाधीन एलिवेटेड हिस्से के पिलर नंबर 174 और 175 के बीच डली स्लैब में यह दरार आई है। इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इन्हें चार्ट पर दिल्ली में शिवमूर्ति के पास से वाया सेक्टर 21 के पास से होते हुए खेड़की दौला तक बन रहे करीब 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का इसी साल 4 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया था। गाय पालकर जीवन यापन कर रहे लोग अब खादी ग्रामोद्योग आयोग के गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्रोजेक्ट से भी आमदनी कर सकते हैं। केवीआईसी भारत के गांवों में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गांवों में गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य बनाया है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश में कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं भारी वर्षा हो रही है। भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों ने 58 से अधिक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर रही है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त होगी। भारतीय महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ही ओलंपिक में उतर रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से आतंकी भेजने के अलावा अब पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने इसके लिए कानून भी तैयार कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बताया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पूरी तरह से कानूनी आधार पर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से कब्जा किए गए इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटेन के वेस्ट यॉर्कशायर में बैटले की सड़कों पर 20 वर्षीय ब्रैडली ग्लेडहिल की बेरहमी से हत्या करने वाले और उसके दो दोस्तों पर बर्बर हमला करने वाले 6 पाकिस्तानी पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।